बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेक्टर एनालिसिस फॉर बीएससी मैथ क्लासेस एंड बीएस मैथ प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। द डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स ए एंड बी इज नोटेड बाय ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई दो वेक्टर्स ए और बी इनके दरमियान एंगल का थीटा, तो भाई द डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय इसको ए डॉट बी से शो करना एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई नोट पहला नोट याद रखना है, ये ए और बी है इनके दरमियान एंगल थीटा। ए डॉट बी बराबर होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, इसको भाई बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा लिख लो एक ही बात है, तो ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए दैट इज डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। भाई ए डॉट बी निकाल लो या बी डॉट ए निकाल लो डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। भाई डॉट प्रोडक्ट इज कमोटेटिव। दूसरा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर इज जीरो। भाई दो वैक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट जीरो का इफ़ एंड ओनली इफ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, अगर उनके दरमियान एंगल क्या होगा भाई 90 होगा। भाई अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट जीरो, और अगर उनका डॉट जीरो है ठीक है जी, तो भैया वो क्या होंगे राइट एंगल होंगे। दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। भाई डॉट प्रोडक्ट जीरो का जब दोनों क्या होंगे जी राइट एंगल होंगे जी, और अगर राइट एंगल होंगे तो उनका डॉट का जीरो और दोनों नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो वी हैव ए मैग्नीट्यूड बी मैग कोस थीटा इक्वल टू जीरो। भाई ए मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो बी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो सो कोस थीटा इक्वल टू जीरो थीटा बराबर होगा कोस इनवर्स जीरो एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई जब एंगल 90 होगा तो इसका मतलब ए और बी के दरमियान एंगल 90 होगा, दे आर परपेंडिकुलर। कन्वर्सली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर बी दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90, देन ए डॉट बी क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग कोस थीटा। भाई ए डॉट बी किसके बराबर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा की, तो भाई थीटा इज 90 तो क्या होगा कोस 90 का जीरो, तो भाई वी हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इफ ए इज एनी वेक्टर, इफ ए इज एनी वेक्टर देन ए डॉट ए क्या होगा जी ए मैग्नीट्यूड कोस जीरो। भाई ए डॉट ए क्या होगा ए मैग्नीट्यूड कोस जीरो कोस जीरो वन, तो ए डॉट ए क्या होगा ए मैग्नीट्यूड का स्केयर। भैया ये रिजल्ट याद रखना है, ए डॉट ए होता है ए मैग्नीट्यूड का स्केयर। भाई जन ए डॉट ए क्या होता है ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, और ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बराबर होगा ए डॉट ए के, यानी कि इसकी जगह पे मैं ये लिख लूँ और जिसकी जगह पे ये लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। भाई ए डॉट बी प्लस सी का होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला। दी यूनिट वेक्टर्स आई कोमा जे एंड कोमा के सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। भाई आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन और के डॉट के वन। भाई आई डॉट आई वन होगा जे डॉट डे वन होगा के डॉट के वन सेम का यूनिट वेक्टर का डॉट वन होगा, और आई डॉट जे जीरो जे डॉट के जीरो और के डॉट आई जीरो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट का होगा जीरो। भाई सेम का डॉट वन होगा और डिफरेंट का डॉट का होगा जीरो होगा जी। भाई जन इफ ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री, बी हमारे पास है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री की, देन ए डॉट बी क्या होगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। भाई डॉट क्या होगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। भाई ए डॉट बी ए वी हैव ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री का। अब भैया पहले इसको पकड़े तीनों के साथ डॉट, फिर इसको पकड़े तीनों के साथ डॉट, फिर इसको पकड़े तीनों के साथ डॉट। तो भाई देखें ए वन बी वन बाहर आएगा आई डॉट आई, ए वन बी टू बाहर ए आई डॉट जे, ए वन बी थ्री बाहर आई डॉट के, ए टू बी वन बाहर जे डॉट आई, ए टू बी टू जे डॉट जे और ए टू बी थ्री जे डॉट के, और ए थ्री बी वन बाहर के डॉट आई, ए थ्री बी टू के डॉट जे और ए थ्री बी थ्री के डॉट के। अब भैया सेम का डॉट का गवन होगा और डिफरेंट का डॉट का होगा जीरो, तो वी हैव कैलकुलेशन। भाई सिर्फ एक ये बचेगी और एक ये बचेगी और ये बाकी सारा कुछ जीरो हो जाएगा, तो वी हैव ए डॉट बी किसके बराबर होगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। नाउ क्वेश्चन है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है एंड आल्सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और भैया इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। भाई डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहला क्वेश्चन, ए हमारे पास ये है एंड आल्सो यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। भाई जन ए हमारे पास है मैग्नीट्यूड, जब भी किसी वेक्टर का निकालना है आई के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्केयर जमा के कोएफिशिएंट का स्केयर,
भाई मैग्नीट्यूड कब जब भी निकालना है, आई के क्वेश्चन कस के प्लस जे के क्वेश्चन कस के प्लस के क्वेश्चन कस के, वी हैव 13 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भैया डिवाइड कर दीजिए, भाई ए कैप का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भैया क्या कर दो डिवाइड कर दीजिए, वी हैव यूनिट वेक्टर। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे यूनिट वेक्टर आएगा। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद दिस वेक्टर एंड एन एंगल ऑफ 60 विद दिस वेक्टर। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, फाइंड एक यूनिट वेक्टर फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद ए वेक्टर, जो भैया ए के साथ 45 का एंगल बताया जी, और भैया 60 एंगल बताया विद बी के साथ जी। भाई एक यूनिट वेक्टर निकालना आपको विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द वेक्टर ए एंड एंगल 60 विद द वेक्टर बी। भाई ए के साथ एंगल 45 और भैया बी के साथ एंगल कितना होगा 60। सपोज यू कैप हमारे पास आएगा एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जी के। भाई सपोज यू कैप हमारे पास होगा एक्स आई प्लस वाई जे जी के विद रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। सिंस यू कैप किसके बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे जी के। भाई सिंस यू कैप किसके बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे जी के। भाई सिंस यू कैप होगा एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा जी। तो भाई एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर का जिधर 1, तो एक्स के जमा वाई के जमा जी स्क्वायर इक्वल 1, इसको 1 कहेंगे। भाई जब भी कोई वेक्टर अवेलेबल उसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या होगा, आई के क्वेश्चन का स्केयर प्लस जे के क्वेश्चन का स्केयर प्लस के क्वेश्चन का स्केयर ऊपर जैसा जी। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के क्वेश्चन का स्केयर प्लस जे के क्वेश्चन का स्केयर प्लस के क्वेश्चन का स्केयर ऊपर जैसा, नो टेकिंग स्केयरिंग एंड वी गेट दिस। ये आपने यूनिट वेक्टर सपोज किया हुआ जी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है जी। भाई सपोज यू कैप विद रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लिहाजा एक मसाला आता है जी। नाउ यू कैप मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद ए वेक्टर। भाई यू कैप का ए वेक्टर के साथ एंगल क्या 45, तो यू डॉट ए क्या होगा, यू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 45। भाई यू डॉट ए क्या होगा, यू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 45। भाई यू डॉट ए क्या होगा, यू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 45। भाई यू डॉट ए का गाड़ी यू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 45 जी। भाई यू डॉट ए का यू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 45 जी। भाई यू आएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 4 प्लस 4 प्लस 1 का जैसे आई का क्वेश्चन का स्केयर जमा जे के क्वेश्चन का स्केयर जमा के क्वेश्चन का स्केयर ऊपर जैसे एंड कॉस ऑफ 45, कॉस 45 होता है 1 बाय रूट 2। भाई जब डाल लोगे तो आई के क्वेश्चन को आई के साथ प्लस जे के क्वेश्चन को जे के साथ रख देंगे प्लस के क्वेश्चन को के साथ रख देंगे। भाई जब दो वेक्टर का डाल लेना तो आई के क्वेश्चन के साथ रख देंगे प्लस जे के क्वेश्चन को जे के क्वेश्चन के साथ प्लस के क्वेश्चन को के क्वेश्चन, और मैग्नीट्यूड भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो भैया क्या होगा, आई के क्वेश्चन का स्केयर जमा जे के क्वेश्चन का स्केयर जमा के क्वेश्चन का स्केयर एंड कॉस 45, कॉस 45 वी हैव 1 बाय रूट 2। भाई दूसरी मसावात आ गई, यू कैप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद बी जी, तो भाई यू डॉट बी का होगा यू मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 60 जी। भाई यू डॉट बी का होगा यू मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 60 जी। भाई यू डॉट बी किसके बराबर होगा, यू मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 60 गिवन है जी, क्योंकि यू मेक्स एन एंगल 60 विद बी जी। नो डॉट के साथ एक जब दो वेक्टर का डॉट लेना हो, आई के क्वेश्चन को आई के साथ रख देंगे प्लस जे के क्वेश्चन को जे के साथ रख देंगे प्लस के क्वेश्चन को के साथ रख देंगे। भाई यू और बी का डॉट हो ना, यू का मैग्नीट्यूड 1 होगा जी। अब बी का मैग्नीट्यूड, भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के क्वेश्चन का स्केयर जमा जे के क्वेश्चन का स्केयर जमा के क्वेश्चन का स्केयर ऊपर जैसा जाएंगे एंड कॉस 61 बाय 2 जी, वी हैव वाई वन फी जी बराबर 1 बाय एंड टू, इसको 3 कह दें। हमारे पास तीन मसावतें आ गई, 1, 2, 3, इन तीनों को हमने हल करके एक्स वाई जी निकालना जी। भाई इन तीनों को आपने हल करके 1, 2, 3 निकालना, ये हमारी अपने दर्द सर। भाई हमने 1, 2, 3 को हल करके एक्स वाई जी निकालना, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 जी। भैया दूसरी तीसरी को तो फ्री कर दो, 3 फ्रॉम 2 भैया, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, तो वी हैव भैया जी कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 2x प्लस वाई इज इक्वल 3/√2 माइनस 1/√2, तो भाई वी हैव 2x प्लस वाई इज इक्वल 1/√2 जी, तो वाई बराबर होगा माइनस 2x एंड प्लस 1/√2 जी। भाई आप जो देखें y इन टर्म्स ऑफ x निकला जी, पुट दिस वैल्यू इन 3, इसको 3 में पुट कर दो जी। भाई जन इसको 3 में y की वैल्यू पुट कर दो जी, तो भाई वी हैव z इन टर्म्स ऑफ x वो का होगा 1/√2x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 जी। भाई हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया एंड z इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया जी। भाई जन देखें मुश्किल कोई नहीं, हमारे पास 3 मसावती 1, 2, 3, इन तीनों को हल करके हमने एक्स वाई जी निकाला, हमने सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2 किया जी। भाई तीसरी को दूसरे सब्ट्रैक्ट किया, वी हैव दिस शेप,
इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस, यहाँ से हमने वाई टर्म निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स। नाउ पुट दिस वैल्यू इन थ्री, थ्री में पुट करें भैया, वाई की जगह भैया पुट करो ना यार, 152x प्लस 2 माइनस जी इज इक्वल 1 बाई 2। यहाँ जो जी निकलेगा ना वो निकलेगा माइनस 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट रूट, भाई जी निकला है इन टर्म्स ऑफ एक्स। नो वी हैव वाई एंड जी इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको पुट इन वन कर दें भाई, एक्स के राशि थी वाई की जगह पे हम पुट किया माइनस 2x प्लस 1 बाई प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, जी की जगह पुट किया माइनस 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1। भाई जिन इसका स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोलें भाई, इसका स्केयर जमा इसका स्केयर, खोलने के बाद आपने एक्स स्केयर वाली इकट्ठी कर दी, एक्स वाली इकट्ठी कर दी और कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर दिया। भाई ये सिंप्लीफाई करो ना यार, एक्स स्केयर वाली इकट्ठी, एक्स वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर भाई, आपने हल करने इसका स्केयर खोला, इसका स्केयर खोला भाई, एक्स स्केयर वाली इकट्ठी कर दी, एक्स वाली इकट्ठी कर दी और कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर दिए भाई। वी हैव 18x स्केयर मनफी 12 अंडर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब भाई देखो क्वाड्रेटिक इन एक्स आ गई, तो भाई क्या करेंगे जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो कहा एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर मनफी 4ac और 2h, भाई एक्स बराबर होगा मनफी बी प्लस माइनस बी स्केयर मनफी 4ac और 2h। भाई इसको हल किया तो वी हैव, यहाँ पे इसके जोड़े छोड़े बनाए, सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव, भाई मजीद सिंप्लीफाई करें जी इसको, एक्स बराबर होगा जी भाई, एक्स बराबर होगा हमारे पास निकला 2 अंडर 2 प्लस अंडर 2 जी ओवर 6। तो भाई जन यहाँ पे प्लस माइनस है ना, आपने प्लस वाला अलग कर लिया और नेगेटिव वाला अलग कर लिया जी, भाई जन प्लस वाला अलग कर दिया और नेगेटिव वाला अलग कर लिया, एक्स की दो वैल्यूज निकल आए जी, एक्स की दो वैल्यूज निकल, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें जी भाई जन, एक्स निकला 3 अंडर 2 ओवर 6, तो भाई एक्स निकला 1 बाय अंडर 2 एंड 1 ओवर 3 अंडर 2 आफ्टर कैलकुलेशन। अब एक्स हमारे पास है 1 बाय अंडर 2 एंड एक्स हमारे पास है 1 बाय 3 अंडर 2, भाई एक्स निकला है, इसको भैया वाई में पुट करें जी, जहाँ एक्स होगा वहाँ पे वन बाय अंडर 2 रखें भाई, जन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई आपका जीरो निकलाया जी, भाई वाई आपका क्या निकला, जीरो। अब जेड हमारे पास था मनफी 2x प्लस 1 अंडर 2 जी, भाई यहाँ पे फिर एक्स रखो जी 1 बाय अंडर 2, उसको सिंप्लीफाई किया तो जी हमारे पास निकला है माइनस 1 बाय अंडर 2। नो वी हैव एक्स वाई एंड जी, तो भाई आपका रिक्वायर्ड जनरेटर का होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के जी, तो वी हैव यू कैप इज इक्वल टू 1 बाय अंडर 2 माइनस 1 बाय अंडर 2 एंड जे के जी। भाई यू कैप क्या होगा, यू कैप आपका होगा 1 बाय अंडर 2 इंटू आई माइनस 1 बाय अंडर 2 इंटू के जी, भाई जन ये आपका एक जनरेटर निकला जी। भाई जन देखें हमने क्या किया जी, पहली तीन मसावत है मानी जी, फिर दूसरी और तीसरी क्वेश्चन भैया हमने वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाला, जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाला, पुट इन एक्स में वन में पुट किया, तो वहाँ से एक्स के हमारे पास दो वैल्यूज निकलेंगे एक ये और ये। अब भैया इस को वाई में पुट करो जी, वाई हमारे पास था मनफी 2x प्लस अंडर रूट जी, भाई जहाँ पे एक्स होगा ये पुट करें जी भैया, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट वाई इजिकल 2 अंडर 2 ओवर 3 जी, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाले, इसको पुट इन जी, जी में पुट कर दें, वो हमारे पास क्या माइनस 2x प्लस 1 अंडर रूट जी, भैया एक्स पे ये पुट करें जी, तो भैया जी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकले 1 बाय अंडर 2 3 अंडर 2 जी, तो भैया यू कैप क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, भैया ये आपका सेकेंड यूनिवेक्टर निकलाएगा जी, भाई जन ये आपका क्या निकलेगा सेकेंड यूनिवेक्टर निकलाएगा जी, भाई जन ये आपका क्या निकलाएगा सेकेंड यूनिवेक्टर निकलाएगा जी। भाई आपने दो यूनिवेक्टर सॉरी यूनिवेक्टर निकला है, ये यूनिवेक्टर चेक करना होगा ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा जी जी। फॉर व्हाट फॉर यू लैम्डा द वैक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, भाई लैम्डा निकालना है दोनों वैक्टर्स के एंड परपेंडिकुलर, भाई दोनों वैक्टर्स के एंडी परपेंडिकुलर लैम्डा चाहिए मैम, ए और बी अवेलेबल है, गिवन वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर सो ए डॉट बी का होगा जीरो, भाई डॉट क्या होगा जीरो, भाई आई को आई के साथ रख दो प्लस जे को जे के साथ रख दो प्लस के के साथ रख दो, तो भैया वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 3, वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब उससे कहा फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, भाई कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो भाई आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर थे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, भाई कॉस थीटा क्या होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, भाई डॉट के साथ होगा जब ए और बी का डॉट लेना हो तो आई के कॉफिन को आई के साथ रख दो प्लस जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ रख दो प्लस के कॉफिन को के कॉफिन के साथ रख दो, और मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो आई जे और के कॉफिन का स्केयर करके सम करके ऊपर जाता जी, तो वी हैव कॉस थीटा बराबर होगा 1 बाय 2 जी, भाई कॉस थीटा निकलेगा 1 ओवर 2 और ये आपने निकालना था।
भाईजान इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट विद यूजुअल नोटेशन, आपने साबित करना ए स्केयर बराबर है बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ एच, भाईजान आपने साबित करना ए स्केयर बराबर है बी स्केयर जमा सी स्केयर मनफी टू बी सी कॉस ऑफ एच। अच्छा भाईजान इसको कई तरीके हैं प्रूफ करने के, तो हमने यहाँ पे जिस तरह की इसको मैं रिपीट कर देता हूँ जी, वी हैव दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी जी। भाई आपने ए इज इक्वल समथिंग प्रूफ करना, तो ए इस तरफ होगा और भैया फिर हमने ए के सामने ए रखा, बी के सामने बी रखा और सी के सामने सी, तो यूँ रखना कि भैया ए इधर चल जाओ इधर से भैया चक्कर लगा के जो दोनों आपस में कहाँ जी बराबर हों, क्योंकि ए इज इक्वल समथिंग प्रूफ करें ना, तो भाई ए हमने इधर रखा तो भैया सी और बी को जमा कर लो जी, भाई बी के सामने बी रख लो सी के सामने क्या रख लो सी जी और ए के सामने ए जी, तो भाई ओ बी से सी आपके पास ए है, बी से ए ए सी है और सी से ए से सी क्या बी, तो फ्रॉम फिगर ए इज इक्वल का बी जमा सी। अब दोनों तरफ आप ए के साथ डाल लो, इधर भी ए के साथ इधर भी ए के साथ, ए की वैल्यू बी प्लस सी जी, तो इसको खोलोगे तो क्या बी डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट बी सी डॉट सी जी, और आपको तो डॉट इज कमोटेटिव ए डॉट बी किसके बराबर था बी डॉट ए के, लिहाजा टू टाइम बी डॉट सी बन गए थे, और ये भाई देखो ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर बी डॉट बी बी मैग्नीट्यूड का स्केयर और सी डॉट सी सी मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब बी डॉट सी खोलोगे बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दरमियान एंगल, भाईजान देखें बी और सी के दरमियान एंगल क्या है, भाईजान ये सी ऊपर जाएगा ये बी इधर आएगा, तो भैया बी और सी के दरमियान एंगल 180 माइनस है, भाई बी और सी के दरमियान एंगल क्या 180 माइनस है, तो वी हैव कॉस 180 माइनस है और कॉस 180 माइनस से माइनस कॉस जाएगा, तो वी हैव ए स्केयर बराबर बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ एच, भाई ए स्केयर बराबर होगा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस टू बी सी कॉस ऑफ एच। सिर्फ भाईजान आपने फिगर में से चूँकि आपने ए इज इक्वल समथिंग प्रूफ करना, तो भैया असूल ये बनाइएगा कि भैया आप इधर चले जाएँ या चक्कर लगा कर जाएँ दोनों आपस में क्या हो जी बराबर ए बराबर होगा बी जमा सी। भाई वैसे तो सारे एंटी क्लॉकवाइज करके भी हम क्या कर सकते हैं, एफ एस सी में मुश्तरा करते हैं मतलब जिस तरह मर्जी कर लो, इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं। अगर आपने बी स्क्वायर प्रूव करना तो बी इज इक्वल टू ए जमा सी होना चाहिए, अगर सी स्क्वायर प्रूव करना तो भैया सी बराबर होना चाहिए ए जमा बी के लिए। नो सेकेंड पार्ट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी, ये आपने सेल्फ करना है, सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस ऑफ सी, ये भी आपने सेल्फ करना चाहिए। भाईजान इन एनी ट्राइंगल प्रूव विद यूजुअल नोटेशन, आपने साबित करना ए स्मॉल ए बराबर है बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी जी। भाईजान उसी तरह आपने ए इज इक्वल समथिंग प्रूव करना, तो भैया ये इधर आ जाओ या पूरा चक्कर लगा के जो दोनों बराबर होंगे जी, भाई ए के सामने ए बी के सामने बी और सी के सामने सी जी, बस चूंकि आपने शो करना तो भाई ए बराबर होना चाहिए बी जमा सी के जी, भाई ए बराबर होगा सी जमा बी के जी, भाई ए बराबर होगा सी जमा बी, क्योंकि ए इज इक्वल प्रूफ करना, अगर बी इज इक्वल प्रूफ करना तो बी इज इक्वल टू सी जमा ए होना चाहिए और अगर सी प्रूफ करना तो ए जमा बी बराबर होना चाहिए। लो बी से सी आपने फर्ज किया ए है, ए से सी फर्ज किया आपने बी है और बी से ए फर्ज किया आपने सी है, लो ए बराबर होगा सी जमा बी, दोनों तरफ ए के साथ डॉट लेंगे ए डॉट ए का होगा ए मैग्नीट्यूड कॉस के जी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी का होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दरमियान एंगल सी जी, भाई ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बी जी। नो भैया आप ए कॉमन निकाल दीजिए, तो वी हैव ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी जी, वही सिमिलरली वी विल प्रूव बी इज इक्वल टू सी कॉस ऑफ ए प्लस ए कॉस ऑफ सी सेल्फ करना है और सी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ ए भी आपने सेल्फ करना है। भजन ए इज इक्वल टू क्या होगा बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी जी, ये आपने प्रूव करना यूजिंग वैक्टर शो करना है कॉस अल्फा मंथ बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, भाई यूजिंग वेक्टर मेथड आपने प्रूफ करना है कॉस अल्फा मनफी बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, भाई आपने शो करना है कॉस अल्फा मनफी बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाईजान ये ए वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर है इसका एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, ये बी है इसका यूनिट वेक्टर बी इसका एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस और इनके दरमियान एंगल जो होगा अल्फा मनफी बीटा होगा, ओ से ए फर्ज करना ए कैप है ओ से बी फर्ज करना बी कैप है, बी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस, तो भैया देखिएगा आपने एंगल ए ओ बी क्या होगा जी अल्फा माइनस बीटा जी, सिंस ए कैप एंड बी कैप मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस, सो ए कैप क्या होगा भाई कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी, भाई ए कैप होगा कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी और भैया बी कैप होगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। नाउ वी नो ए डॉट बी क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग कॉस ऑफ दरमियानी एंगल, भाई ए डॉट बी क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग कॉस ऑफ दरमियानी एंगल। अब भाईजान देखिए डॉट किस साल होगा, जब दो वेक्टर का डॉट लेना आई के क्वेश्चन को आई के साथ जरूर देनी है प्लस जे के क्वेश्चन को जे के साथ जरूर देनी है,
जब डॉट है ना आई के कॉफिन को आई के साथ रख देनी है और प्लस जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ रख देनी है और ए कैप का मैगनीट्यूड वन और बी कैप का मैगनीट्यूड वन कॉस अल्फा मंथ बीटा तो सो वी हैव कॉस अल्फा मंथ बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा वी हैव कॉस अल्फा मंथ बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब भाई यूजिंग वेक्टर मेथड शो करना कॉस अल्फा जमा बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा साबित करना कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई यूजिंग वेक्टर मेथड ये शो करना कॉस अल्फा जमा बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई उसी तरह ओ से ए फर्स्ट करें ए कैप है ओ से बी फर्स्ट करें बी कैप है बी टू यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा। भाई अल्फा एंड माइनस बीटा विद एक्सिस भाई ए कैप है इसका ए वेक्टर इसका ए कैप इसका एंगल अल्फा ये बी कैप है इसका एंगल माइनस बीटा इन दोनों के दरमियान क्या एंगल अल्फा जमा बीटा। भाई सिंस ए कैप एंड बी कैप मेक्स एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा विद एक्सिस सो ए कैप क्या होगा भाई जन कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी थी बी कैप क्या होगा कॉस माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जी कॉस का के नेगेटिव पड़ा होगा आई साइन का के नेगेटिव पड़ा बाहर आ गया वी नो ए डॉट बी क्या होगा जी ए मैगनीट्यूड बी मैं कॉस दरमियानी एंगल। भाई डॉट किस तरह होगा आई के कॉफिन को आई के साथ रख देनी है प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ रख देनी है भाई यूनिट वेक्टर का मैगनीट्यूड वन होगा तो कॉस अल्फा जमा बीटा आएगा तो सो वी हैव कॉस अल्फा जमा बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। सो वी हैव कॉस अल्फा मनफी बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। नाउ क्वेश्चन है फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। भाई आपने ए और बी के दरमियान कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी तो कॉस थीटा क्या होगा ए डॉट बी ओवर ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड। वजन कॉस थीटा किसके बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड। वजन कॉस थीटा किसके बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड। वजन देखें जब डाल लेना आई के कॉफिन को आई के साथ रहते नहीं है प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ प्लस के कॉफिन को के साथ है ओवर बे मैगनीट्यूड को होगा आई के कॉफिन का स्केल प्लस जे के कॉफिन का स्केल प्लस के कॉफिन का स्केल। भाई डॉट के साथ लेना आई के कॉफिन को आई के साथ प्लस जे के कॉफिन को जे के साथ प्लस के कॉफिन को के साथ और भाई मैगनीट्यूड के साथ लेना आई के कॉफिन का स्केल प्लस जे के कॉफिन का स्केल प्लस के कॉफिन का स्केल। वी हैव माइनस 23 ओवर 500 वी हैव कॉस थीटा बराबर है माइनस 0.524 जी। वी हैव ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है कहता फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का फॉर्मूला ए डॉट बी और बी मैगनीट्यूड। भाई कंपोनेंट कह लें या प्रोजेक्शन कह लें एक ही बात है ये ए है ये बी है जी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी ए डॉट बी और बी मैगनीट्यूड। भाई डॉट में क्या होगा आई के कॉफिन को आई के साथ रख देनी है प्लस जे के कॉफिन को जे के कॉफिन के साथ रख देनी है प्लस के कॉफिन को के कॉफिन के साथ रख देनी है और मैगनीट्यूड किसी वेक्टर में निकालना हो आई के कॉफिन का स्केल प्लस जे के कॉफिन का स्केल प्लस के कॉफिन का स्केल। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव अंडर फाइव अंडर वाट कंडीशन दस दिस रिलेशन। भाई ये जो रिलेशन है ए डॉट बी का होल स्केयर बराबर होगा ए स्केयर बी स्केयर ये कब होल्ड करेगा अंडर वाट कंडीशन दस द रिजल्ट होल्ड। भाई जन होल्ड फॉर टू वैक्टर्स एंगल लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स एंगल। भाई ए डॉट बी वी नो ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड कॉस ऑफ थीटा जी। भाई ए डॉट बी क्या होगा ए मैगनीट्यूड बी मैगनीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। भाई इसको ए मैगनीट्यूड को सिंपल ए लिखो बी मैगनीट्यूड को सिंपल बी लिखो दोनों तो स्केयर कर लो। भाई वी हैव ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा ए स्केयर बी स्केयर कब आएगा जब कॉस स्केयर थीटा वन होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन और थीटा होगा जीरो या पाई। लिहाजा भाई ए डॉट बी का होल स्केयर बराबर होगा ए स्केयर बी स्केयर इफ ए एंड बी आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल। भाई अगर एंगल जीरो होगा तो पैरेलल होंगे और अगर एंगल वन होगी तो एंटी पैरेलल होंगे जी। भाई जन एंटी पैरेलल होंगे जी। भाई जन एंटी पैरेलल होंगे जी।